अगर आप Redmi Note 7 Pro यूजर हैं, देन आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि फाइनली जो है Xiaomi ने लेटेस्ट ग्लोबल स्टेबल अपडेट जो है वो रोल आउट कर दिया है, जो कि है MIUI 10.3.5.0, जो हमें मिल चुका है। अगर आपको नहीं मिला है तो मैं आपको बताऊंगा क्या इसके फीचर्स हैं और कैसे आप उसको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आज हमारे पास Redmi Note 7 Pro है। मैं आपको सेटिंग्स में सबसे पहले दिखा देता हूं अबाउट फोन के स्पेक्स। तो ये देखिए मॉडल नंबर Redmi Note 7 Pro, एंड्रॉइड वर्जन 9, सिक्योरिटी पैच मिलता है आपको 1st of April 2019 का, और MIUI वर्जन 10.3.5.0, जो कि इस टाइम पे स्टेबल का लेटेस्ट अपडेट है Redmi Note 7 Pro यूजर्स के लिए। तो सबसे पहले आप इसके हम चेंज लॉक्स चेक कर लेते हैं कि चेंज लॉक्स में क्या क्या चीज़ें जो है इन्होंने मेंशन की गई है। तो उसके लिए क्या करना है, आप इस मेनू पर टैप करेंगे, ये व्हाट्स न्यू, काफ़ी बड़ा चेंज लॉग आपको देखने को मिलता है, यानी कि इस बार मोस्टली काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसके अंदर फिक्स की गई हैं और Redmi Note 7 Pro को बेटर बनाने के लिए इसमें काफ़ी सारे बग्स को भी फिक्स किया गया है। जैसे सिस्टम में देख पा रहे हैं आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे लॉक स्क्रीन आफ्टर यूजिंग फेस अनलॉक वाला जो ऑप्शन था वो अब इनेबल कर दिया है कि फेस अनलॉक जब यूज़ करेंगे तो आपका फ़ोन लॉक स्क्रीन पे ही रहेगा जब तक आप उसको स्वाइप अप नहीं करेंगे। फेस डाटा पहले से मच बेटर हुआ है और बहुत जल्दी जो है अनलॉक भी हो रहा है फेस अनलॉक, और रजिस्टर्ड भी बहुत जल्दी हो रहा है। एक चीज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आई, इन्होंने दो सिक्योरिटी पैच क्यों मैंशन किए। ये देखिए अप्रैल 2019 सिक्योरिटी पैच ही मैंशन किया है और फरवरी 2019 सिक्योरिटी पैच भी इसके अंदर मेंशन किया है। तो मे बी ये ह्यूमन एरर हो सकता है कि जिसने ये चेंज लॉक्स लिखे हैं उसने गलती से दो बार इसके अंदर पुटअप कर दिया है, बट सिक्योरिटी पैच जो है आपको अप्रैल 2019 का ही मिलता है। कैमरा पहले से बेटर हुआ है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कैमरा काफ़ी बेटर हुआ है पहले से इसके अंदर, और फेस अनलॉक तो पूछो मत कि पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है इसके अंदर, ताकि आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल सके फेस अनलॉक की इसके अंदर। फ़ोन के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे मैसेज बबल्स आर नॉट अलाइन प्रॉपरली। हाँ, जो नोटिफिकेशन आते थे मैसेज के जो बबल्स होते थे वो जो थे ठीक तरीके से अलाइन नहीं होते थे, तो वो उसको फिक्स किया गया है, और स्टेटस बार शॉर्टकट एंड फ्लोटिंग नोटिफिकेशन फॉर कॉल्स अपीयर्ड एट द सेम टाइम। हाँ, ये भी एक बग देखने को मिला था काफ़ी सारे लोगों को जो इसके अंदर इन्होंने इंप्रूव किया। और मोस्टली क्या होता है, जब आप फ़ोन को डिस्कनेक्ट करते थे तो काफ़ी देर तक वो जो था एंड कॉल के पेज पे ही रहता था, वो हटता नहीं था, तो वो भी काफ़ी कभी बार इरिटेटिंग लगता था कि काफ़ी देर तक वो ऐसे स्क्रीन पे रहता था, तो उसको भी इन्होंने इसके अंदर इंप्रूव किया है। अब लॉक स्क्रीन स्टेटस बार और नोटिफिकेशन में भी कुछ मेजर चेंजेस किए गए। देखिए, यू कैन रिस्ट्रिक्ट ओपनिंग नोटिफिकेशन शेड ऑन द लॉक स्क्रीन नाउ, तो ये भी एक अच्छा फीचर जो है आपको इसके अंदर देखने को मिला। और ऑप्टिमाइज क्या किया है, यू कैन ओपन होम स्क्रीन यूजिंग योर फिंगरप्रिंट आफ्टर फेस डाटा इज वेरीफाइड। हाँ, तो ये चीज़ जो है एक बहुत अच्छा फीचर है जो ऑप्टिमाइज किया है। अब लो बैटरी की जो वार्निंग थी उसको फिक्स किया गया है। कॉल टाइम बबल जो था ओवरलैप्ड हो जाता था आइकन्स के ऊपर, वो भी आपको फिक्स करने में। जैसे कि मैंने आपको बताया, कैमरे में मेजर चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इसके अंदर 48 मेगापिक्सल के कैमरे की सपोर्ट मिलता है आपको, पर काफ़ी सारे लोग जो है खुश नहीं थे कि कैमरा जो है ठीक तरीके से इंप्रूव नहीं कर रहा है, लैगी है थोड़ा सा, उन सब चीज़ों को इसके अंदर जो है इन्होंने फिक्स करने की कोशिश की है। मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि कैमरा बहुत अच्छा हुआ, बट हाँ लास्ट के अपडेट से मच बेटर हुआ है। तो ये सब चीज़ें तो आपको इसके चेंज लॉक्स के अंदर देखने को मिलती है। अब मैं कुछ और चीजें भी आपको दिखा देता हूं किसके अंदर और आपको क्या क्या देखने को मिलता है। अगर आप थीम्स में जाएं, थीम्स में जाके आप अपने अकाउंट पर जाएंगे और इसमें आप कस्टमाइज थीम्स में जाएंगे, तो आपको लॉक स्टाइल, स्टेटस बार, आइकन्स, मैसेजिंग, डायल पैड, फेवरेट स्ट्रे एंड बूट एनिमेशन, बूट ऑडियो के यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, एक ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर का ऑप्शन भी देखने को मिलता था इसके अंदर, जो अभी आपको इसके अंदर Redmi Note 7 Pro के अंदर देखने को नहीं मिल रहा। काफ़ी सारे फोन्स में आ गया है, बट वो अभी तक आपको Redmi Note 7 Pro के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इसके अंदर आपको भी थीम्स के अंदर देखने को नहीं मिली है। गेम टर्बो मोड जो होता है, जिसे गेम बूस्टर भी आप लोग बोलते हैं, वो इसके अंदर अभी भी अवेलेबल है, आप देख पाएंगे। ये देखिए, ये वो गेम बूस्टर है, इसको आप ऐसे ओपन करेंगे, इसमें अपने गेम्स वगैरह को ऐड करेंगे, और उसके बाद जो है आप गेम बूस्टर के जो फीचर्स हैं वो किसी भी गेम के अंदर आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। सेटिंग्स में हम कुछ और फीचर भी देख लेते हैं। आप चलते हैं डिस्प्ले के ऊपर। डिस्प्ले में जो है आपको एक रेस टू वेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑटो रोटेट स्क्रीन, डबल टैप टू स्क्रीन में, ये सारे ऑप्शन तो आपको देखने को मिलते हैं। डार्क मोड जो है अभी भी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिला है। जो डेवलपर ऑप्शन में डार्क मोड यानी नाइट मोड होता था उसको भी इन्होंने अब जाके डिसेबल कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एडिशनल सेटिंग्स में डेवलपर ऑप्शन में एक नाइट मोड का ऑप्शन होता था यहाँ पर जाके डेमो मोड के ऊपर, वो भी अब इन्होंने यहाँ से डिसेबल कर दिया है, कि
यानी कि अब जो है आप इसके अंदर Redmi Note 7 Pro के अंदर डार्क मोड नहीं यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसके अंदर से मिसिंग है, जैसे डिजिटल वेलबिंग आपको अभी भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। आप देख पा रहे होंगे ये देखिए, यहाँ पे आपको डिजिटल वेलबिंग का एक फीचर देखने को मिलता था, जैसे स्क्रीन टाइम भी बोला जाता था, वो आपको अभी भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। बाकी कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे लॉक स्क्रीन पासवर्ड के अंदर जाएंगे आप, मैनेज फेस डाटा के अंदर इसको अनलॉक करेंगे तो जो एक नया ऑप्शन जिसकी मैंने बात करा था, स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, इसमें होता क्या था कि पहले जब आप फेस अनलॉक से फ़ोन को अनलॉक करते थे तो एकदम जो था फेस अनलॉक से आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता था और डायरेक्टली वो आपकी होम स्क्रीन के ऊपर आ जाता था। बट अब इससे ये होगा कि फेस अनलॉक से फ़ोन तो अनलॉक हो जाएगा बट वो होम स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगा, वो मेन आपकी लॉक स्क्रीन पे रहेगा जब तक आप उसको स्वाइप अप नहीं करोगे। तो ये एक अच्छा फीचर जिससे आप नोटिफिकेशन वगैरह को वहीं पे चेक कर सकते हो, तो ये चीज़ अच्छी जो है इन्होंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस की है। और काफ़ी सारे फ़ोनों में आपने देखा ही होगा एडवांस सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे नई लॉक जो लॉक स्क्रीन होती है उसके ऊपर तीन क्लॉक्स के मोड भी देखने को मिलते हैं, जो अभी भी आपको Redmi Note 7 Pro के यूजर्स को यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। कुछ और चीज़ें भी हम सेटिंग्स में देख लेते हैं, जैसे सेटिंग्स में आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है फुल स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर जो है हाइड नॉच का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको आप जैसे ही इनेबल करते हैं आपके फ़ोन के जो नॉच है वो कम्प्लीटली हाइड हो जाता है। बट ये मुझे पसंद नहीं आया, इसके कॉर्नर्स आप देखेंगे कुछ ज़्यादा ही कर्वी हैं, थोड़ा सा इनको कम करना चाहिए था। मुझे ये हाइड नॉच का ऑप्शन इतना इसके अंदर जो है सक्सेसफुल नहीं लगा है, जितना Xiaomi .eu का जो रूम है उसके अंदर हाइड नॉच का जो ऑप्शन था वो काफ़ी बेटर तरीके से काम करता है और उसका लुक भी काफ़ी अच्छा आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप लोगों की अपनी ओपिनियन हो सकती है, तो मैं हाइड नॉच को यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। आपको नॉच इन इंडिविजुअल ऐप्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप किसी पर्टिकुलर ऐप को भी सिलेक्ट करके उसके अंदर नॉच को हाइड कर सकते हैं। आपको बटन्स और फुल स्क्रीन जेस्चर्स मिल जाते हैं, आप नीचे जो नेविगेशन बटन है इनको मिरर भी कर सकते हैं और इनको जिस तरीके से इनकी पोजिशन है थोड़ा इनको चेंज कर दें। फुल स्क्रीन मोड आपको मिल जाता है, यानी कि आप इसके अंदर फुल स्क्रीन मोड जिस एप्लीकेशन पर यूज़ करना चाहें वो भी आप इसके अंदर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आपको इसके अंदर जो नीचे थोड़ा और जाएंगे तो आपको कुछ और चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे एमरजेंसी SOS जिसके थ्रू जो है आप जो है कुछ नंबर्स को यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं कि कभी भी इमरजेंसी में आप जो है पावर के बटन को होल्ड करेंगे तो एक तरीके की आपकी लोकेशन और आपके मैसेज जो है उस नंबर तक पहुँच जाएंगे कि आप एक एमरजेंसी सिचुएशन में पड़े हुए हैं उस टाइम भी। ये चीज़ें भी आपको इसे बदल देंगी। बैटरी लाइफ पहले से मच बेटर हुई है, माना यह जा रहा है कि बैटरी को काफ़ी ऑप्टिमाइज़ किया गया है ताकि Redmi Note 7 Pro के अंदर आपको अच्छी बैटरी देखने को मिले। जैसा कि मैंने बताया कि कैमरा जो है पहले से फास्ट हुआ है, पर इतना फास्ट भी नहीं हुआ है कि आप सोचें कि नहीं बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। और AI मोड में कुछ नए सीन्स को भी ऐड किया गया है और AI मोड को काफ़ी बेटर किया गया है ताकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है जो पिक्चर्स को कैप्चर करें वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करें। पोर्ट्रेट मोड आपको मिल जाता है इसके अंदर, पोर्ट्रेट मोड में भी आपको AI मोड मिल जाता है। नाइट साइड जो मोड जो पहले से बेटर हुई है और पहले से अच्छी पिक्चर्स को क्लिक कर रही है नाइट साइड में। स्क्वायर मोड, पैनोरामा मोड और प्रो मोड भी मिल जाता है। प्रो मोड में आपको वाइट बैलेंस, फोकस, शटर स्पीड और ISO वगैरह को आप यहाँ पे इजीली सेटअप कर सकते हैं। वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ आप कौन कौन से मोड पे जो है वीडियो को शूट कर सकते हैं। तो ये देखिए वीडियो क्वालिटी आप अल्ट्रा HD 4K में 30fps और 1080p 30fps एंड 60fps में बिना किसी इशू के आप इसके अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरा टू API स्टिल इनेबल्ड है इसके अंदर, आप जो है इसके अंदर गूगल कैमरे को परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई सजेस्ट इशू नहीं है। अब बात करते हैं इसको अपडेट कैसे करना है। सपोज कीजिए कि आपको अभी तक अपडेट नहीं मिला है तो आप क्या करना है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहां से आप उस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे जो होगी 1.85 GB के आसपास। उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके अबाउट फोन पे जाना है, अबाउट फोन में जाके सिस्टम अपडेट पे जाएंगे, फिर मेनू पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको चूज अपडेट पैकेज का ऑप्शन नहीं दिखेगा। आप जैसे ही MIUI 10 के लोगों पे 10 बार टैप करेंगे लिखाएगा एडिशनल अपडेट फीचर्स आर ऑन, यानी कि अब वो ऑप्शन जो है आपके फोन में इनेबल हो गए। आप इसको क्लिक करेंगे, चूज अपडेट पैकेज करेंगे, आपके सामने फाइल मैनेजर खुलता है। फाइल मैनेजर में जाके जो है आप जो है उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है आपके फ़ोन में जो है अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको इस अपडेट को जो है एक बार यूज़ ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये स्टेबल अपडेट है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसके अंदर फिक्स की गई। हाँ, कुछ फीचर्स अभी मिसिंग है, जैसे आपको नाइट मोड अभी भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है, स्क्रीन टाइम अभी भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है और एम्बिएंट डिस्प्ले का फीचर भी आपको नहीं देखने को मिलता है और थीम्स के अंदर जो ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर था वो वाले ऑप्शंस भी आपको नहीं देखने को मिलते हैं। तो कुछ फीचर्स अभी भी आपको इसके अंदर मिसिंग देखने को मिलते हैं। तो बस ये छोटा सा वीडियो इसी के ऊपर था कि क्या क्या फीचर्स आए हैं और क्या क्या चीज़ें अभी भी इसके अंदर से मिसिंग है। तो बस इस वीडियो को यही बंद करते हैं, तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये अपडेट मिल चुका है तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको इसमें कौन सा फीचर जो है अब तक सबसे बेस्ट लगा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।